हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी नवारी साड़ी जिगजैग स्टाइल में कैसे वेयर की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लेना है साड़ी का आखिरी सिरा और यहाँ पे दोनों हाथ से मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में दो टाइट नॉट बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 9 मीटर की साड़ी यूज़ की है। एक्चुअली मराठी में 9 को 9 बोला जाता है, तो नौवारी साड़ी मतलब 9 मीटर की साड़ी ऐसा माना जाता है। तो नॉट हो जाने के बाद अभी आना है साड़ी के आखिरी सिरे पे। तो ये जो पार्ट है हमारा वो कास्ट में यूज़ होगा। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्स बनाती जानी है। एंड देन प्लेट्स हो जाने के बाद थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे दोबारा से जो है वो आपको प्लेट सेट करनी है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में आप पिनअप कर सकते हो, या फिर ये देखिएगा मैंने यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के बाद प्लेट्स जो है वो दोबारा से बनाई है। तो यहाँ पे हम पिनअप करने वाले हैं। इससे क्या होता है, कास्टा जो है वो हमारा अच्छे से रहता है। तो आप चाहें तो ऊपर और थोड़ा बीच में भी पिनअप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली पिनअप यहाँ पे बीच में कर सकते हो। तो ये देखिएगा, फर्स्ट प्लेट छोड़ के यहाँ पे हमको पिनअप कर लेना है। तो ये देखिएगा, फर्स्ट प्लेट जो है वो खोल दी है मैंने। तो ये हो जाने के बाद कास्ट को अच्छे से सेट कर दीजिएगा, ताकि ये जो बीच का फैब्रिक है वो दिखे ना। तो इसको दोनों पैरों के बीच में से निकाल करके पीछे की साइड जो है वो हमें टक कर देना है। तो सारे के फैब्रिक को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, कभी कभी टाइट लगता है लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे जितना आपको कास्टे की लेन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड देन अभी आना है पल्लू पे। तो ये देखिएगा, थोड़ा फैब्रिक जो है वो खींच गया था कास्टे के साइड का, तो इसको जो है वो अच्छे से सेट करना है आपको। तो अभी आना है पल्लू की साइड। पल्लू को ले लेना है यहाँ पे और उसको दोनों पैरों के बीच में से निकाल लेना है। तो ये सिर्फ हमें लेंथ यहाँ पे पता करनी है। आपको जितना लेंथ चाहिए पल्लू की उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। और यहाँ पे ये देखिएगा, कास्ट के साइड कितना फैब्रिक आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टक किया है, मतलब पहले ही टक किया है। आप चाहे तो पल्लू बनाने के बाद भी यहाँ पे टक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बचा हुआ फैब्रिक जो है वो आगे तक है हमारा। तो ये देखिएगा, पल्लू को फर्स्ट साइड जो है वो आगे की तरफ रखनी है और उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स जो है वो एक के बाद एक हमें बनाती जानी है। तो ये जो फर्स्ट प्लेट है वो थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा बाकी की प्लेट के हिसाब से, तो इससे पल्लू का लुक जो है वो अच्छे से आता है। एंड देन यहाँ पे देखिएगा, ये शोल्डर का पार्ट है, यहाँ पे उसे मैं दोबारा से पल्लू को जो है वो सेट कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद सेफ्टी पिन का यूज़ करके भी पल्लू को बना सकते हो। तो यहाँ पे पल्लू को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे पिनअप कर देना है। पिनअप हो जाने के बाद यहाँ पे पल्लू की जो ऊपर की बॉर्डर है उसको हमें ले लेना है, पीछे की साइड से जो है वो इसको ले लेना है। और कास्टे के पहले इसको थोड़ा सा फैब्रिक मैंने टक किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कास्टे को टक करना है। तो अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वॉशरूम को कैसे यूज़ करें, तो ये जो कास्ट है उसको हमें लेगिंग में जो है वो पिनअप कर देना है। और ये पल्लू वाले ऊपर का जो पार्ट है वो हमें ऐसा ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने टक किया था, वो इसीलिए किया था, वो अपने आप रह जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो साड़ी का बचा हुआ पार्ट है अभी इसको ले लेना है, और जैसे हम नॉर्मल साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे तरीके से हमें प्लेट्स बनाती जानी है। तो क्योंकि अभी नौवारी साड़ी है तो इसकी प्लेट्स थोड़ी ज़्यादा बनेगी, तो अगर आप बिगनर हो तो आप हाफ हाफ करके भी यहाँ पे प्लेट्स बना सकते हो। अभी प्लेट्स हो जाने के बाद
राइट साइड से जो है ये देखिएगा, सेंटर में इसको नहीं टक करना है, राइट साइड से इसको टक करना है। और यहाँ पे थोड़ी बड़ी पिन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लैगिंग में जो है वो यहाँ पे हमें ये एरिया पिन अप करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद फर्स्ट प्लेट को उठा लेना है थोड़े डिस्टेंस बाद, कुछ इस तरीके से उठा करके इसको टक करना है, और ये अपने आप सिकसक मोड़ दे देगा थोड़ा। सेकंड प्लेट पे प्लेट भी हमें थोड़े डिस्टेंस बाद यहाँ पे उठा लेनी है, और यहाँ पे ये देखिएगा बॉर्डर को जो है वो इस तरीके से पिनअप करना है, दोनों साइड से हमें पिनअप करना है। एंड थर्ड प्लेट भी जो है वो एक दो प्लेट्स हो जाने के बाद आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि कितने डिस्टेंस बाद यहाँ पे प्लेट्स ले। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको एक के बाद एक जो है वो प्लेट्स बनाते जाना है। और ये जो फैब्रिक है साड़ी का वो, और ये ऊपर वाली जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमें बॉर्डर के सेंटर में इसको पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड जो है वो बॉर्डर के सेंटर में हमें जो है वो पिनअप कर लेनी है। और थोड़ा इसको प्रेस कीजिएगा ताकि ये जो zigzag मोड़ आए वो अच्छे से दिखे, और आगे के प्लेट्स बनाते टाइम भी हमें जो है वो आसानी जाए। और इसकी जो विड्थ है गाइस वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये अपने अपने ऊपर रहता है। अगर आप चाहे तो एकदम बॉर्डर टू बॉर्डर भी यहाँ पे zigzag बना सकते हो, अदरवाइज़ इतनी विड्थ लेके भी आप प्लेट्स बना सकते हो। लास्ट तक जो है वो प्लेट्स बनाते जाना है। और ये जो पैरों के नीचे का फैब्रिक होता है वो नवारी साड़ी का जो है वो थोड़ा खींच जाता है, तो उसको थोड़ा सा जो है जहाँ पर से भी पैरों के बीच में से या फिर पैरों के जो काष्ठा वाली साइड है वहाँ पर से फैब्रिक को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सेट कीजिएगा। और ये देखिएगा जहाँ पर से हमने फर्स्ट प्लेट जो है वो टक की थी वहाँ पर से हमें लेगिंग में पिनअप करना है। तो अभी वॉशरूम का अगर बात करें तो यहाँ पे हमें तीन टाइम पिनअप करना है, मतलब कास्ट के साइड फर्स्ट साइड, और ये जो प्लेट्स हमने टक की थी राइट साइड वहाँ पर से पिनअप करना है, और ये जो लेफ्ट साइड में हमने फर्स्ट प्लेट जो है zigzag मोड़ वाली जो स्टार्ट करी थी वहाँ पर से हमें पिनअप कर लेना है। सेंटर की जो नॉट है वो आपको ओपन करनी पड़ेगी, और कास्ट से पहले जो हमने फैब्रिक यहाँ पे टक किया था तो उसको थोड़ा दोबारा से आपको सेट करना पड़ेगा, तो और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिएगा पैरों के एकदम लास्ट तक की जो है वो हमें प्लेट्स बना लेनी है, और यहाँ पर से हमें पिनअप कर लेना है। तो ये हो गया गाइस हमारा फाइनल लुक। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।